हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग्स दिखाऊंगा, क्योंकि ये सेटिंग्स अब देखने के बाद आप घर पर भी ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सेटिंग्स आपको देखने का पहले आप देखिए, टीवी को मैं स्टैंड बाई पर कर दिया और उसके बाद स्टैंड बाई से मैं ऑन करता हूँ। देखिए, ऑन करने के बाद आपका जो टीवी नाम वो आ जाता है, ठीक है। ये टीवी नाम आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो में, इस वीडियो में आपको जो देखाऊंगा, ये टीवी नाम का साथ आपका आपका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नाम आपका हो सकता है, आप यहाँ पर वो कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको ये टीवी दिखा देता हूँ कि टीवी को आपको ए वी मोड पर करना पड़ेगा। अब देखिए, ये ऑटो मोड है और ये ए वी मोड है, ठीक है। ए वी मोड पर करने के बाद आपको रिमोट से, ठीक है, जो बॉटम दबाना पड़ेगा, ठीक है, वो एक सर्विस कोड है, ठीक है। मेनू 6483 आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको फिर भी बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए, मेनू 6483, ठीक है। ये दबाने के बाद एक सर्विस चार्ट ओपन हो जाएगा इस तरह, ठीक है। देखिए, ये जो ऑप्शन लिखा है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। किस तरह ये चेंज होगा, इसके ऊपर मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो है। ये ऑन जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन लिखा है चेंज करने के लिए, और ये जो ऑफ है, ये ऑफ आपको ऑन करेगा। तो ऑन करने के बाद आप आपका नाम दूसरा लाइन पर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये किस तरह होगा, रिमोट का जो मेनू बॉटम आपको पुश करना पड़ेगा। पुश करने के बाद ये जो लिखा, ये चेंज हो जाएगा। देखिए, मैं मेनू बॉटम पुश करके करके ऑफ पर लेके आया। उसका बाद आपको आपको चैनल प्लस पुश करना पड़ेगा। तो चैनल प्लस पुश करने के बाद देखिए, ये जो ऑफ ऑप्शन, ये ऑन हो गया, ठीक है। और उसका बाद आपको मेनू बॉटम पुश करने के बाद आपको टू सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये टू सिलेक्ट करने का बाद, ठीक है, टू सिलेक्ट करने का बाद ये जो उसका बाद आप देखिए, साइज सिलेक्ट करने के बाद मेनू बॉटम पुश करके अब ये जो लाइन, ये आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम प्लस माइनस पुश करके ये लाइन को आप छोटा और बड़ा कर सकते हो। मैं छोटा किया, छोटा करने के बाद आपको टू पर फिर भी ले जाना पड़ेगा, आपको मेनू बॉटम पुश करके, ठीक है। मेनू बॉटम आपको एक एक बार पुश करेगा तो ये जो सिलेक्ट ऑप्शन, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको मेनू बॉटम पुश करके ही, ठीक है, ये लिखने का समय आपको टू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टू पर सिलेक्ट करेगा तो तब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टू सिलेक्ट किया और उसका बाद देखिए, वॉल्यूम प्लस माइनस, ठीक है, वॉल्यूम प्लस माइनस, मैं वॉल्यूम प्लस पुश करता हूँ। देखिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये जो डॉट लिखा है, ये एक छोटा सा अलग कलर ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसका बाद आप चैनल प्लस माइनस पुश करके आपका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो टीवी का जिस व्यक्ति का ये टीवी है, जिस आदमी का ये टीवी है, वो आदमी का नाम है तपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तपन लिख देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट टी ए पी ए एन, ये मैं लिखूँगा। तो इसलिए आपको एक लेटर टी सिलेक्ट करने के बाद, आपको वॉल्यूम प्लस पुश करने के बाद वो नेक्स्ट पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा, और उसका बाद चैनल प्लस, ठीक है। आप माइनस बॉटम पुश करके भी कर सकते हो। जब वो सिलेक्ट हो जाएगा टी ए, उसका बाद वॉल्यूम प्लस पुश करने के बाद चैनल प्लस, ठीक है, पुश करके पी लिखूँगा, ठीक है। इस तरह देखिए, टी ए हो गया, पी मैं लिख देता हूँ। पी लिखने के बाद आपको वॉल्यूम प्लस पुश करना पड़ेगा नेक्स्ट लेटर लिखने के लिए, ठीक है। तो पी हो गया, उसके बाद वॉल्यूम प्लस, ठीक है। ये नेक्स्ट, फिर भी मैं ए लिखूँगा, ठीक है। तो चैनल प्लस पुश करके वो वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरह। उसके बाद 9 0 होने के बाद वो ए बी सी डी इस तरह आता है, ठीक है। तो देखिए, ये तपन हो गया, ठीक है। तपन होने के बाद आप देखिए, इसका साइज आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। तो इसीलिए आपको ये साइज ऑप्शन पर जाना पड़ेगा मेनू बटन पुश करके,
और उसके बाद वॉल्यूम प्लस माइनस पुश करके इसका साइज छोटा और बड़ा कर सकते हो। तो ये टीवी का जो नाम ये बड़ा है, तो ये जो नाम मैं लिखा है ये मैं छोटा कर दिया, ठीक है। करने के बाद आपको रिमोट का डिस्प्ले बॉटम पुश करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्ले बॉटम देखिए, ज़रूर एक डिस्प्ले बॉटम होगा। एक्चुअली जिस रिमोट पर टीवी चलता है वही रिमोट काम करेगा, ठीक है, दूसरा कोई रिमोट का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसका अंदर चाइना किट है, 88 का आईसी है, 88 का आईसी होगा तो तब ये कट काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी ब्रांडेड टीवी पर इस तरह कोड आप यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए, मैं टीवी को स्टैंड बाई से ऑन किया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए।